नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी टिप्स में स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे दंत मंजन का योग बताऊंगा जिससे पायरिया, मुंह की दुर्गंध, पीले दांत, काले दांत, कीड़े के दांत, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ठंडा गर्म लगना जैसी और भी दांतों की समस्या से जल्दी ही आराम मिलेगा। और इस मंजन के योग को आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जो ज्ञान मेरे पास है चाहे वो किसी भी बारे में और शरीर को निरोग्य और स्वस्थ रखने के लिए जो ज्ञान मेरे गुरुजी ने मुझे दिया, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो डेली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपने आप पता चल जाए। तो दोस्तों, जिस मंजन की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपके घर और आसपास में आसानी से मिल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले नीम की निमोली मतलब नीम के फल की आवश्यकता होगी। इस समय में नीम के पेड़ों पर बहुत फल लगा हुआ है। आप ऐसे फल ले जो पकने वाले हो या बिल्कुल पके हो, ज्यादा कच्चे फल ना ले और इन्हें सुखा ले धूप में। ये सूख जाए तब इन्हें अच्छे से पीस ले और पीस करके कपड़ छान कर ले। अब जितना चूर्ण आपका निम्बोली का तैयार हुआ है उतनी ही मात्रा में आप खील फिटकरी इसमें मिला ले। किसी भाई को नहीं पता है कि खील फिटकरी कैसे बनती है और क्या होती है, तो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया, वीडियो मिल जाएगी। खील फिटकरी मिलाने के बाद उसमें बराबर मात्रा में सेंधा नमक या आयोडीन नमक मिला ले, मतलब 100 ग्राम निमोली चूरन, 100 ग्राम खील फिटकरी और 100 ग्राम सेंधा नमक या आयोडीन नमक, तीनों को अच्छे से मिलाकर डिब्बे में रख ले और इसे रोज मंजन के रूप में सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर किसी को मसूड़ों और दांतों की प्रॉब्लम से मंजन नहीं कर सकता, रगड़ नहीं सकता, तो इसे मसूड़ों और दांतों पर लगाकर मुंह खुला छोड़ दे और लार को नीचे गिरने दे बिना जीभ लगाए। इसके इस्तेमाल से मुंह की बदबू, दांतों का पीलापन, कीड़े लगे हुए दांत, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, दांतों का कालापन, पायरिया, लगभग समस्त समस्या दूर हो जाती है दांतों की। इस मंजन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते इसे पेट में ना ले जाए और ज़्यादा देर जीभ ना लगाए। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और असरदार और कम खर्चीला उपाय है, आप जरूर प्रयोग करना। और जिन भाइयों ने गुटखा पान खाकर अपने दांत बिल्कुल सड़ा लिए, वो भाई इस मंजन का जरूर प्रयोग करें और चमत्कार आपके सामने होगा। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।